चौधरी तालाब रामलीला का हुआ उद्घाटन। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में चौधरी तालाब रामलीला का शहर विधायक डॉक्टर अरुण कुमार ने किया उद्घाटन। बरेली श्री रानी महालक्ष्मी बाई रामलीला समिति रजिस्ट्रेशन चौधरी मोहल्ला बरेली के तत्वाधान में आयोजित 454वीं रामलीला का आज विधिवत चौधरी तालाब बरेली स्थित रामलीला मैदान पर कार्यक्रम के उद्घाटन कर्ता बरेली के लोकप्रिय विधायक माननीय श्री डॉक्टर अरुण कुमार जी तथा कार्यक्रम की मुख्य अतिथि बरेली की प्रथम महिला जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती रश्मि पटेल जी तथा दिनेश अग्रवाल DK ट्रांसपोर्ट कंपनी के MD तथा भारतीय जनता पार्टी के नेता बरेली महानगर के प्रभारी श्री पंकज गुप्ता पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल सक्सेना एडवोकेट रामलीला समिति के अध्यक्ष रामगोपाल मिश्रा की उपस्थिति में पूजन शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में बोलते हुए उपरोक्त सभी भक्तजनों ने कहा कि बरेली का यह गौरव है कि देश की इतनी प्राचीन रामलीला का आयोजन निरंतर 454 वर्षों से निरंतर होता आ रहा है, मुगल काल से होती आ रही है। ऐतिहासिक इस रामलीला का गौरवशाली इतिहास अपने आप में अनूठा है। हम लोगों को इसमें आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, यह हम सभी के लिए भगवान का विशेष आशीर्वाद है। हम सभी इस रामलीला के शुभारंभ के अवसर पर आके धन्य हो गए हैं तथा समिति के आभारी हैं। इस अवसर पर समिति के भ्रभु नारायण तिवारी, धीरज शुक्ला, नीरज शुक्ला, विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष पवन अरोड़ा, अशोक शुक्ला, शिव नारायण, कपिल शुक्ला, अजय, प्रशांत पटेल, रामा शंकर, ब्रजेश प्रताप सिंह, विनीत अग्रवाल, सत्यम प्रकाश सक्सेना, उदित सक्सेना, रजनीश वाजपेयी, सचिन शुक्ला, शिवम शुक्ला आदि रामभक्त उपस्थित रहे। बरेली से अजय चंद्रा की एक रिपोर्ट। ये बरेली में जो रामलीला हो रही है इतने समय से हो रही है, इसके विषय में जानकारी देते हो और इसके क्या संदेश देना चाहेंगे इस रामलीला के माध्यम से? ये रामलीला न केवल बरेली की या उत्तर प्रदेश की बल्कि देश की सबसे पुरानी रामलीला है। ये 454 साल पुरानी है और यहाँ पे बराबर होती रही है। आप ये समझिए 454 साल पहले जब मुगल सम्राट थे, मुगल राज था यहाँ, तो यहाँ पर कितनी दिक्कत हुई होगी। फिर भी यहाँ के तबके लोग हमारे पूर्वज बधाई के पास हैं जिन्होंने लगातार यहाँ पर रामलीला का मंथन किया और आज भी हो रहा है। और रामलीला से हमारे अंदर एक संस्कार डेवलप होते हैं। रामचरितमानस जो किताब है वो खाली किताब नहीं है, वो एक ग्रंथ है, वो खाली कहानी नहीं है, वो सच्चाई है। और उससे लोगों के अंदर भगवान राम के प्रति और ज़्यादा श्रद्धा जागृत होती है और हमारे नौजवान और बच्चे रामायण से ये सीखते हैं व्हाट इज़ द वे ऑफ लिविंग, मतलब हमारे रहने का क्या तरीका होना चाहिए, परिवार में भाई का भाई से कैसा संबंध होना चाहिए, पिता का बेटे से क्या संबंध होना चाहिए। तो इस तरह के सब जो रामायण के अंदर है बहुत कुछ हम सीखते हैं, हम संस्कार सीखते हैं। मैं तो ये कहूँगा रामलीला का मंथन इसी तरह से होना चाहिए, लोगों में संस्कार आए और लोग अच्छे नागरिक बने। सर जी, आप अपना नाम बताते हुए इस रामलीला के विषय में शॉर्ट में विस्तृत जानकारी दिए कि शुभारम्भ किसने किया था और इसी स्थान पे क्यों नियुक्त किया है स्थान किया गया। सम्मानित साथियों, श्री रानी महालक्ष्मी बाई रामलीला समिति रजिस्टर्ड चौधरी मोहल्ला बरेली के तत्वाधान में जैसा कि 453 वर्ष पूर्व इस रामलीला का सबको पता है कि शुभारंभ हुआ था। लेकिन अब ये प्रश्न उठता है, आपने सवाल भी बिल्कुल ठीक पूछा है कि जब 453 साल पहले इस देश पर मुगल शासन कर रहे थे तो कैसे इस रामलीला का मंचन संभव हो पाया होगा। लेकिन जहाँ तक हमें हमारे पूर्वजों द्वारा बताया गया कि एक राजा बसंत राव, एक केवल बसंत राव नाम के व्यक्ति थे जो इटावा के लखना जगह पर रहने वाले थे। लखना के नाम से वो जगह रही होगी, तहसील हो, गांव हो, कस्बा हो, क्या हो, ये उस समय के लोगों ने बताया कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस स्थान तो नहीं था लेकिन इटावा शहर नहीं होता था, लखना शहर होता था। और वहाँ पर रहने वाले व्यक्ति 450 से भी अधिक समय पूर्व बरेली आए और बरेली में उन्होंने वैद्य का काम शुरू किया। वो बहुत प्रसिद्ध वैद्य थे और उस समय
उनको पता चला कि उस समय के जो मुगल शासक थे औरंगजेब, उनके परिवार में उनकी पत्नी या बहन को किसी को भी कुछ गंभीर बीमारी हो गई। उनके पास सूचना आई, उन्होंने कहा अगर मुझे ले चलोगे तो हो सकता है मैं उनका इलाज कर दूं। उन्होंने काफ़ी बताया कि भाई पहले इनका बहुत इलाज करा चुके हम, ये ठीक नहीं हो पाई हैं और किस तरीके से क्या करें। तो उन्होंने सब चीज़ देखी। पहले पर्दे का ज़माना बहुत मुस्लिम समाज में होता था, तो उनके समाज में भी उस समय पर्दा रहा होगा। उन्होंने कहा कि भाई ऐसी कोई बात बताओ जो पर्दे के पीछे से बगैर देखे, बगैर छुए, बगैर कुछ करे आप उनका इलाज कर दो। तो उन्होंने कहा उनका फोटो मंगवा लो। फोटो रखा गया, उन्होंने एक कच्चा धागा दिया और कच्चे धागे को कहा कि उनके दोनों पैरों के अंगूठे में इस धागे को बांध देना। कुछ दिनों पूर्व उनको शाही मेहमान बना के बाहर रखा गया, इलाज शुरू हो गया। 7-8 दिन के बाद जब उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो फिर से औरंगजेब ने कहा कि भाई हकीम जी कोई फ़ायदा तो हो नहीं रहा है। बोले कैसे होगा, आपने वो धागा बकरी के पैर में बांध दिया, महिला के पैर में नहीं बांधा है। जब उन्होंने स्वयं देखा जाके तो उनकी बात प्रमाणित हुई कि वो वास्तव में किसी उनके जो पालतू बकरी थी उसके पैर में बांध दिया उन लोगों ने और उनके पैर में नहीं बांधा। दोबारा से उनके पैर में अंगूठे में वो कच्चा धागा उन्होंने दूसरा दिया, उसको बांधा गया और 10-15 दिन में उनको पूरी तरीके से स्वास्थ्य लाभ हुआ। इस पर खुश होकर उन्होंने कहा कि भाई मांगो क्या मांगते हो। तो एक तो उनको लखनऊ स्टेट मिला, उसके वो राजा घोषित हुए और उनको चौधरी का खिताब भी मिला। उस चौधरी के खिताब से उन्होंने बरेली में चौधरी मोहल्ला नामक स्थान का नामकरण किया और यहाँ पर पूरे देश के प्रदेश के लोगों को और विशेष तौर पर ब्राह्मण समाज के लोगों को लाकर यहाँ बसाने का काम किया। उस समय से रामलीला निरंतर हो रही है। इस रामलीला का अनूठा इतिहास बहुत लंबा है, हमारे बाबा के भी और ज़्यादा। वो हमारे बाबा जब बताते थे कि हम अपने बाबा से पूछते थे और वो लोग यंग को बहुत भारी बातें में उन्होंने बताई हैं और हम पर लिखी भी है उसका प्रमाण। तो ये जो रामलीला का मंचन क्या बात है, एक देश के अंदर ये पहली रामलीला है जो 4-4 स्थानों पर हुई। पहला शुभारंभ आपने देखा चौधरी तालाब पर, ये 1984 गांव उनको जो उसमें मिले थे रियासत में, जो उनको राजा बनाया गया था, उस 84 गांव में से ये जो इसको सुरका छावनी के नाम से बाहर चुंगी और अंदर चुंगी। अब उस समय 450 साल पहले इस स्थान की स्थिति क्या रही होगी, बिल्कुल प्योर जंगल रहा होगा और इस जंगल में उन्होंने रामलीला का शुभारंभ किया। 14 बरस का वनवास जब भगवान को हुआ तो यहाँ से बाकायदे जो भगवान ने सरयू नदी पार करी थी अयोध्या में, वो सरयू नदी का स्थान इन्होंने तालाब का निर्माण करा कर किया। यहाँ से बाकायदे वही परंपरा चल रही है, 9वें दिन भगवान राम यहाँ से समुद्र पार होकर और दूसरे स्थान पर पहुँच जाते हैं। इस प्रकार से ये रामलीला तीसरे स्थान पर, यानी पहला चौधरी तालाब, दूसरा वो सरयू और तीसरा बड़ा बाग, चौथा उन्होंने खुद जो अपना नाम से रानी साहिबा के नाम से फाटक बनवाया था, उस फाटक के वहाँ से उनकी शोभा यात्रा और राम बारात का प्रचलन और राज तिलक का समापन कार्यक्रम इस रामलीला का वहीं पर उन्होंने अपने निवास स्थान पर रखा था। ऐसी प्राचीन ऐतिहासिक रामलीला निरंतर होती चली जा रही है। इसका बहुत ही सुंदरीकरण हमारे आदरणीय संतोष गंगवार जी 14 साल इसके अध्यक्ष रहे और उन्होंने अपने शासन काल में, अपने अध्यक्षीय काल में इसका स्वरूप बहुत सुंदर प्रकार से किया। आज आपको जो ये विराट स्वरूप दिख रहा है इस रामलीला का, इसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे आदरणीय श्री संतोष गंगवार जी का भी है। उनसे पूर्व के भी लोग यहाँ पर बहुत सारे लोग जितने भी अध्यक्ष रहे उनका कोई ना कोई किसी ना किसी रूप में इसमें सहयोग रहा। आज हम बरेली की राम भक्त जनता के सहयोग से इस रामलीला का, इस ऐतिहासिक रामलीला का भली प्रकार से मंचन कराते हैं। 4 जगह पर, स्थान पर ये मंचन होता है। 17 दिन का प्रोग्राम होता है। मंडली बाहर से आती है, अभी भी मधुबनी जिले की यहाँ पर कुछ कलाकार अयोध्या के भी हैं इसमें, तो 22 लोग यहाँ पर आए हैं। वो बाकायदे विधिवत इसका मंचन करेंगे, आयोजन करेंगे, इसकी लीलाओं का व्याख्यान करेंगे, भगवान राम के आदर्शों पर चलने का लोगों से आह्वान करेंगे। तो ऐसी रामलीला का आज शुभारम्भ हमारे आदरणीय नगर विधायक, हमारी आदरणीय जिला पंचायत अध्यक्ष और हम सबका एक विशेष आज बहुत गौरव की बात है, हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हमारे अभी जो पार्टी ने प्रदेश से नवनियुक्त हमारे भारतीय जनता पार्टी के महानगर के प्रभारी आदरणीय हमारे पंकज गुप्ता जी, जो प्रदेश के पदाधिकारी रहे, क्षेत्र के पदाधिकारी रहे, वो हम सबका सौभाग्य कि आज इस अवसर पर हमारे बीच में आए। उन्होंने हमारा आतिथ्य स्वीकार किया, हमारे निवेदन पर बहुत
कम समय में हमें आना, तो संतोष जी को भी था इस कार्यक्रम में, लेकिन उनका गुवाहाटी से फ्लाइट उनकी लेट हो गई, तो वो दिल्ली देर में आ पाए, तो यहाँ अभी वो आ नहीं पाएंगे, सुबह तक आ पाएंगे। ऐसे ही हमारे विश्व हिंदू परिषद के आज विभाग अध्यक्ष श्री पवन अरोड़ा जी, और यहाँ पर हमारा जो इस मंचन में बहुत बड़ा सहयोग हमारे आदरणीय हमारे दीपेश अग्रवाल जी बैठे हैं, ये बरेली के बहुत प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं, और इनका निरंतर कई वर्षों से हम लोगों को सहयोग भी मिल रहा है, और इनका सहयोग हर प्रकार का है, शारीरिक भी सहयोग ये देते हैं, रामलीला में आते हैं, आप प्रोग्राम में रहते हैं, तो ऐसे इस अवसर पर हम आप सबका भी, आप लोग यहाँ पर आए, पत्रकार छायाकार मित्र बंधु हमारे आए, हमारे आह्वान पर निवेदन पर आए, तो हम आपका भी बहुत हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, और आशा करते हैं कि इस रामलीला में आप लोग निरंतर सहयोग प्रदान करते रहेंगे, ये रामलीला दिन रात आगे बढ़ती रहेगी, तरक्की करती रहेगी, उन्नति करती रहेगी, और इस जिसकी भी माहौल में ये वातावरण रहे, लेकिन ये रामलीला निरंतर होती रही, आगे भी भगवान की कृपा से ये होती रहेगी, आप उनका बहुत बहुत धन्यवाद।